अलैक फैज़ भाई। फैज़ भाई, ये जो तलाक का जो मसला है अपने पास, जो वो छोटा सा सवाल है कि जो एक मजमे में तीन को तीन मानी जा रही है अपने पास, तो जो लोग तीन के खाए, जो एक के खायल है वो बोलते हैं कि रसूल के ज़माने में तीन को एक ही माना जाता था, पर जो तीन के खायल है वो ये बोलते हैं कि वो तो है पर अब हमको सहाबा को भी देना पड़ेगा, उसमें खुलफा राशिदीन भी आते हैं। तो हज़रत उमर के पास से जो दौर शुरू हुआ उसके बाद से बस हज़रत उमर के दौर में किसने उसकी वो नहीं की, मना नहीं किया कि गलत हो रहा है करके, और उसके बाद चारों अइम्मा इकराम से भी और बहुत सारे अइम्मा से भी मिलता है कि तीन को तीन ही मानी जाती थी। तो जब इजमा एक तरफ जा रहा है तो आप एक जगह को खड़े हो कि तीन को एक ही मान रहे हो, तो इजमा के साथ खड़े हो, तो यहाँ पे वो ये दलील देते हैं, तो उसके ऊपर क्या? भाई ने कहा कि इजमा है तलाक के मामले में कि तीन तलाक अगर दी जा रही है तो वो करेंगे। तो पहले तो ये बात इजमा है बोलना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सहाबा के अंदर भी ठीक है, हज़रत उमर की बात को माना गया, लेकिन उसके बाद भी ऐसे सहाबा थे जिन्होंने ऐसे फतवे दिए कि तीन एक ही होती है बोल, तो इजमा तो नहीं बोल सकते उसको ठीक है। तो इजमा तो नहीं, इजमा मतलब सारी उम्मत जमा हो जाए। इजमा को भी कब माना जाएगा, उसके भी कुछ उसूल हैं, कुरान है, सुन्नत है ठीक है, फिर अकवाल सहाबा है, या फिर जिसको कुरान सुन्नत, फिर इजमा है। जब कुरान और सुन्नत मतलब नबी के दौर में कुरान और सुन्नत के हिसाब से, और हज़रत अबूबकर के दौर में, और उसके बाद उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह के दौर के 2 साल तक तीन तलाक को एक माना गया, तो फिर मसला ख़त्म ही हो गया ना। अब समझ रहे, इजमा तो बाद में आएगा। अब वो इजमा क्यों बना, या जिसको हम कहेंगे हज़रत उमर ने क्यों हुक्म दिया, वो भी आपको देखना पड़ेगा। हज़रत उमर के ज़माने तक लोगों को पता था कि तीन तलाक एक होती, तो लोग क्या करते थे, तीन बोल देते थे ताकि लड़की को तंग करे, समझ, और बाद में बोलते चूंकि एक होती ले लेते थे। तो हज़रत उमर ने देखा कि ये तो लोगों ने खिलवाड़ मचा दिया तलाक का, जिसको अल्लाह ताला ने सोच विचार करके अच्छे से देने का हुक्म दिया, लोगों ने मजाक बना दिया, और चूंकि उनको मालूम है तीन का क्या होता, एक मानी जाती, तो लिहाजा उन्होंने कहा अल्लाह ने जिस चीज़ में तुमको ढील दी थी तुमने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया, लिहाजा अब मैं क्या करूँगा। ये ताज़ीराती हुक्म है, और ये खलीफा कर सकता है कि जो तीन कहेंगे उसको मैं तीन मान लूंगा, शरीयत नहीं बदली उन्होंने, एक ताज़ीराती हुक्म था, समझ रहे आप, तीन मान लूंगा। तो लोगों ने फिर तीन देना एक साथ छोड़ दिया। अब क्या हो रहा, लोग तीन एक साथ दे रहे हैं जिससे सारे तमाशे खड़े हो रहे हैं। तो अब वापस ताज़ीराती हुक्म को हम रिवर्ट कर देंगे, पलटा देंगे, और बोलेंगे अब तीन को एक माना जाएंगे। आप समझिए इस चीज़ को। तो लोग ये नहीं समझ के वो आइम्मा ने ये किया वो किया, तो याद रखिए इमामों वगैरह का जो लोग भी इस तरह की बातें करते हैं, ये अपने इमामों से सिर्फ उतनी बातें लेते हैं जितनी बातें उनको पसंद आती है, बाकी बातों में इमाम को भी ये अपने ईजी ले लेते हैं। मैं आपको बता, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक इमाम का तनख्वाह और मुअज्ज़िन का तनख्वाह लेना हराम है। कौन सा इमाम तनख्वाह नहीं ले रहा मस्जिद की, जो हनफी बोलते हैं अपने आप, बताइए। तो यहाँ इमाम साहब के फतवे को रद्द कर दिया जाता है एक झटके से, नहीं चलेगा, समझ रहे आप। तो हम लोगों का मामला बड़ा चूजी है, हम किसी एक मसलक को तब फॉलो करते हैं जब हमको उसमें फ़ायदे नज़र आते हैं अपने, और उसी मसलक को जब छोड़ देते हैं जबकि नज़र नहीं आते। जबकि इमाम हनीफा के नज़दीक इमाम का तनख्वाह और मुअज्ज़िन का तनख्वाह लेना हराम है। ऐसा कोई हनफी इमाम मुझे तो नहीं मालूम कि जो बगैर तनख्वाह की नमाज़ पढ़ाता। फिर नया हीला निकालते, देखिए जब ऐसा होगा तो हीला हीला है कि हम इमामत की तनख्वाह नहीं ले रहे, वक्त की तनख्वाह ले रहे, इसको बोलते हैं हीलेबाजी। आप समझ रहे, हीला करना, ऐसा कोई हराम चीज़ में पैसा लगाना जायज़ नहीं। तो हम हराम चीज़ नहीं खरीद रहे, हम क्या कर रहे हैं, वो बॉटल खरीद रहे, उसके अंदर का कंटेंट आ जा रहा साथ में एक अलग बात है, लेकिन हम बॉटल के पैसे पे कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हीला निकालना। आप समझ रहे, तो हीलेबाजी शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं, याद रखें। तो उमर रज़ी अल्लाह उनका तीन तलाक को तीन मानने की वजह लोगों का शरीयत को मजाक उड़ाना थी। अब लोग ये समझते हैं कि तीन ही देना पड़ती तलाक जब भी देना पड़ती, नॉलेज नहीं होने की वजह से चूंकि वो ये काम कर रहे हैं, नतीजतन हम ये कहेंगे वापस उस पर चल जाओ जो असल था, और वो था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, और अबू बकर सिद्दीक के दौर में भी चलता रहा, हाँ उमर के दौर के 2 साल में भी यही चलता रहा कि तीन को एक ही माना जाता था। तो लोग बड़े चूजी अपने मसलक के मामले में, अपने मन मुताबिक चीज़ों को लेते हैं, बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं अंदर की। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हमको अपना दीन एज अ होल ले, चूज़ी ना हो उसके अंदर, और अगर दीन ने ही कुछ चीज़ में छूट दिए तो फिर चूज़ी भी हो सकते, ये भी दुरुस्त, ये भी दुरुस्त, ये भी दुरुस्त, ये भी दुरुस्त, तो मेरे को चॉइस है। लेकिन जब दीन में नहीं है तो आप वो बात को निकालने के लिए किसी मसलक की तरफ दुरुस्त नहीं है। आज हुकूमत ने क्या हल कर दी हमारा, आज लोगों ने क्या हल कर दिया अपना, कि पहले तो तीन तलाक देते हैं और फिर उसको तीन मान लेते हैं, तीन मानने के बाद हलाला भी करवाते हैं, हलाला करके वापस लाते हैं। मेरा सवाल है क्या वो हलाला जायज़ है, क्या जो वो करवा रहे हैं वो भी जायज़ करा दे रहे हैं फिर वो। तो ये सब आपकी हीलेबाजियाँ हैं, दीन के साथ खिलवाड़ हैं, आपकी अपनी मनमानी है, अपनी शहवत पूरी करने का अपना तरीक़ा आपने ईजाद किया, एक हलाल चीज़ को आपने हराम कर दिया अपने ऊपर, एक हराम चीज़ को हलाल कर दिया, मतलब तीन तलाक को एक मानना को उसको हराम करार दे दिया अपने ऊपर, और उसको तीन मान रहे हैं, और जिसको कहेंगे हलाला जो कि हराम है याद रखिए उसको हलाल कर लिया, मतलब जो हराम है उसको हलाल कर लिया, जो हलाल है उसको हराम कर रहे हैं। तो ये सब तमाशा हमने दीन का बना दिया, और अपना मजाक खुद हमने उड़ाया। याद रखिए क्या हल हुआ, याद रखिए जब गवर्नमेंट ने ये फैसला सुनाया
कि हम तीन तलाक को तीन नहीं मानेंगे, एक ही मानेंगे, तो क्या उन लोगों को जिन्होंने इस फैसले को माना, मैं नाम नहीं लेता हूँ इदारे का, बहुत मौजूद इदारा हिंदुस्तान का, उनको शर्म नहीं आई कि उन्हीं के इदारे में ऐसे मसलक मौजूद थे ऑलरेडी जिनके पास तीन तलाक एक होती थी, तो आप क्यों फिर पीछे हटे, क्यों अपने आप को जलील और रजील किया पूरे दुनिया के सामने, सिर्फ इसलिए कि अगर आप हाँ बोल देते तो आप एक मसलक को इख्तियार करने जैसा आपको लगता या जिसको आपने आज तक बुरा कहा आप कबूल कर ले ऐसा हो जाता। कितनी रुसवा और कितनी हंसी उड़ाई मीडिया ने इनकी। उस बोर्ड के अंदर ही जमीयत अहले हदीस भी है जिनका यही मौकूफ़ है हमेशा से, उस बोर्ड में शिया भी शामिल है जिनका हमेशा से मौकूफ़ यही है कि तीन एक होती है ना। तो आप ये बेशर्मी के साथ इस फैसले को सुनने से अच्छा था कि आप कहते कि ऑलरेडी हमारे पास ये चीज़ तो मौजूद है और अब हम अपनी ये राय छोड़ के वो लेते, लेकिन वो गिरे भी तो टांग ऊँची करने के लिए उन्होंने ये किया। क्या किया कि हुकूमत ने इन पर ला के थोप दिया और ये करे अभी शरीयत के खिलाफ, ये रुसवाई है, ये जिल्लत हम उठा रहे हैं दीन को एज अ होल छोड़ने के चक्कर में और तासुब के बुनियाद पर मसलक को फॉलो करने के चक्कर। मसलक फॉलो करना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए फॉलो करना कि मैं इसको फॉलो करता हूँ, इसकी हर चीज़ को मानूंगा, ये गलत चीज़ है। जबकि कई बड़े बड़े मसाइल में आप इमाम हनीफा रहमतुल्लाह को ले खातिर में तक नहीं लाते, इमाम अबू यूसुफ इमाम मोहम्मद के फतवे लेते हैं, लेकिन इमाम साहब को बाजू कर दिया जाता है। क्यों क्यों कर दिया जाता है, क्यों आपने ऐसा किया? इसलिए कि आपको पता है कि इमाम साहब से यहाँ चूक हुई, लेकिन वो बोलना नहीं, बोल क्या बोलते, इमाम अबू यूसुफ ने फरमाया, काजी अबू यूसुफ का ये कौल है, इमाम मोहम्मद का ये कौल है, जो कि उनके शागिर्द याद रखी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप खुद बोलते हैं कि इमाम साहब से गलतियाँ हुई होंगी, इमाम साहब ने कुछ बातें ऐसी बताई कि जो दुरुस्त नहीं है, राजे मसला ये है कि जो अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने कहा या इमाम मोहम्मद ने कहा, तो क्यों आप फिर वो करते हैं अपने नाम को लेकर इतना वो क्यों वो करते हैं? अच्छा, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह का जो 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 अकीदा था उस अकीदे का कोई प्रमोशन में नहीं। देखिए, जहाँ अपना अपनी बात आई, तो जो लोग अपने आप को हनफी कहते हैं वो अकीदतन मातुरीदी होते हैं, जबकि इमाम तहावी ने तीसरी सदी में किताब लिखी कि मैं इस किताब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ताबईन और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का अकीदा नकल कर रहा हूँ, बल्कि वो पूरा अकीदा तहावी आपने पूरी किताब लिखी, हनफियों ने पूरे उसको सिरे से रद्द कर दिया, उसको नहीं मानते हो, और सारे अहले हदीस मुकातिम पढ़ी जाती हुई किताब, यहाँ तक कि मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हुई किताब, लिखने वाले कौन है? इमाम तहावी हनफी, और उसकी शरह कौन की? इमाम अली अल इज़्ज़ी अल हनफी, दोनों हनफी, वो 8वीं सदी के और ये 30वीं सदी के, 500 साल बाद उन्होंने इसकी शरह की। तो आप इमाम साहब के अकीदे को भी नहीं लेते हैं, अकीदे में आप बोलते हैं हम मातुरीदी हैं, वह हनफी नहीं है, फलां मसले में हम इमाम अबू यूसुफ। तो लोगों ने मसलक को सिर्फ अपनी चॉइस के बेसिस पे इख्तियार किया, जहाँ जो ढील और सहूलत मिली वो लेते गए। मैं कह रहा हूँ जब दीन में ढील है तो आपको पूरा इख्तियार है, जहाँ ढील नहीं है वहाँ क्रिएट करने की कोशिश ना करें, और जहाँ गलती हुई किसी से तो गलती को मान के कहें कि अल्लाह उन पर रहम करे, वहाँ उनसे चूक हुई, हम इस मसले में ये राय रखते हैं, लेकिन नहीं, टांग ऊँची रखना है हमको, और सारे फिर मसाइल खड़े होते हैं, फिर वो उसके रद्द में हज़रत उमर नऊज़ बिल्लाह ऐसे थे क्या जो तुम उनकी बात नहीं मान रहे? तो मैं आपको 10 बातें ला के दे सकता हूँ उमर की जो आप ऐसे इनकार करते दिनों रात में, 10 बातें, वहाँ आपको है तुम्हारे कुछ नज़र नहीं आते, यहाँ यहाँ इस मसले में बहुत कुछ नज़र आते हैं ना, वहाँ कुछ नज़र नहीं आते, वहाँ आपको अबूबकर सिद्दीक कुछ नज़र नहीं आते, दूसरे मसाइल में उमर इब्न खत्ताब कुछ नज़र नहीं आते, उस्मान इब्न अफ़ान कुछ नज़र नहीं आते, हज़रत अली नज़र नहीं आते, कोई सहाबा नज़र नहीं आते सिवा उसके जो हमारे को जमरी बात और हमको लग रहा है कि ये होना चाहिए, हम वो फॉलो करते हैं और एकदम जमे हुए उस पर ऐसे बिल्कुल एकदम मजबूती के साथ कि कोई बात अगर हमें ऐसा लगे कि मसलक के ख़िलाफ़ है तो हम कुरान और हदीस की तावील कर देंगे उस इस लेवल तक गए हुए लोग। तो लिहाजा हम उनकी बात छोड़ते हुए ओपन माइंड के साथ लोगों को दावत देते हैं कि चीज़ों को वो समझें और चीज़ों को जानें, और जो दीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए छोड़ गए थे वही सबसे पाक और शफाफ दीन है, उसको फॉलो करने की कोशिश करें। आइम्मा ने, खुलफा ने, सहाबा ने, आइम्मा ने कुछ बातें ताज़ीराती हुक्म के तहत आगे पीछे की होंगी, लेकिन उसमें आपका आपको ऑप्शन है, लेकिन असल चीज़ जो वहाँ की ताज़ीराती चीज़ें जब तक होंगी जब तक वो हालात और माहौल है, कंडीशनल है, लेकिन असल दीन तो वो था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए जो छोड़ कर गए, तो उस ज़माने में ऐसा ही होता था, तीन को एक ही माना जाता था। आपके दौर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह उनके दौर में, उमर इब्न खत्ताब के दौर के पहले 2 साल, बाद में क्यों हुक्म दिया मैंने रीज़न बता दिया आपको, लोग मजाक कर रहे थे, आज हम क्यों कह रहे हैं उसको छोड़ा जाएगा, इसलिए क्या फिर लोगों ने मजाक बना दिया उसका, तो अब तीन को दो एक मान लेना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, चूँकि लोगों को ऐसा लगता तीन दिए तो ही तलाक होती, लिहाजा इसको समझने की और संजीदगी से इस मसले को समझ के उस पर अमल करने की ज़रूरत है, वरना हम अभी जलील हुए हैं दुनिया में और भी जलील होते जाएंगे अगर हम अपनी रविश और अपने हालात मतलब अपने जिसको कहेंगे
चाल को अगर नहीं बदलेंगे तो। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारी वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।